हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अप इन द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज किस ब्रांड वीडियो बात करने वाले कि हाउ टू फिक्स आईफोन 16 सीरीज कैमरा कंट्रोल नॉट वर्किंग। रिसेंटली बहुत ही सारे आईफोन 16 यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि iOS 18.0.1 को अपडेट करने के बाद हमारे आईफोन के अंदर कैमरा कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा है। हमारे आईफोन के कैमरा कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट किया है कि वन क्लिक पे कैमरा ओपन होना चाहिए, बट स्टिल ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमारे को कैमरा कंट्रोल में टू टाइम्स स्टेप करते तभी कैमरा ओपन होता है। क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? सॉल्यूशंस नंबर वन की बात करें तो आपको लेटेस्ट वर्जन से अपने आईफोन को अपडेट करना होगा। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रू डाउन करके आपको जनरल के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का। ये एक सॉफ्टवेयर इश्यू है तो आपको नया लेटेस्ट वर्जन आए तब तक वेट करना होगा, और आपको नया लेटेस्ट वर्जन मिल गया तो सिंपल आपको अपडेट कर लेना होगा अपने आईफोन को। सॉल्यूशंस नंबर टू में आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स कर लेने हैं। तो आपको जनरल के अंदर स्क्रू डाउन करोगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर एंड रिसेट आईफोन का। उसी के अंदर आपको रिसेट के अंदर आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स कर लेना होगा। आपका सभी सेटिंग्स रिसेट हो जाएंगे। थर्ड वन सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको अपने आईफोन को ही रीसेट कर देना है। उसके लिए सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद आपको जनरल के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शंस मिलता है ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन का। वहां पे सेकंड ऑप्शंस मिलता है इरेस ऑल कंटेंट एंड सेटिंग। तो आपको अपने आईफोन का बैकअप लेने के बाद फिर आपको इरेस ऑल कंटेंट सेटिंग्स करना होगा और आपका पूरा डेटा चला जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।